आपका स्वागत है सच न्यूज नेटवर्क पे। बड़ी खबर इस वक्त साउथ कश्मीर के अनंतनाग जिले से आ रही है, जहां पर आज यूपी के रहने वाले निवासी को हथियारों के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस ने पकड़ा। जी हां, आपको बता दें कि इस व्यक्ति से खुफिया एजेंसी इस समय पूछताछ कर रही है, कार्रवाई फिलहाल चलाई जा रही है। और आइए अब जान लेते हैं कि क्या है पूरी खबर, कि किस कारणवश इस नॉन लोकल रेजिडेंट पर कार्रवाई की जा रही है। दर्शकों, पूरी खबर आपको बताते चले कि आज यानी सोमवार को दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा इलाके से जम्मू कश्मीर पुलिस और कुछ खुफिया एजेंसीज ने एक नॉन लोकल रेजिडेंट जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने का आरोप यहां पर यह है कि पुलिस ने उसे कुछ हथियारों के साथ जैसे कि पिस्टल और मैगजीन के साथ पकड़ा है। और यह भी बता दें कि गिरफ्तार व्यक्ति की पूरी डिटेल्स इस समय हमारे पास आ चुकी है, इसकी पहचान कर ली गई है। बताते चले कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने ऐसा बताया कि बिजबिहाड़ा इलाके में सैलून शॉप में काम करने वाले शमीम सलमानी पर लंबे समय से पुलिस नजर रख रही थी और सोमवार को उसे हथियारों के साथ पकड़ लिया गया है। हथियार यानी कि एक पिस्टल और एक मैगजीन के साथ इस नॉन लोकल रेजिडेंट जो कि उत्तर प्रदेश का निवासी है, इसे आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया और फिलहाल पूछताछ जारी। दर्शकों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जैसे कि पहले बताया, इस व्यक्ति का नाम शमीम सलमानी बताया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश के फरीदपुर मान बिजनूर का निवासी है, जिसके पास से आज पुलिस ने कुछ हथियार बरामद किए हैं। और फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त इस व्यक्ति से पूछताछ जारी है। इसी के साथ साथ ये भी बता दें कि इससे पहले भी यूपी के कई युवक कश्मीर में हथियारों के खरीद फिरोख्त मामले में पकड़े गए हैं। आज भी एक मामला ऐसा ही सामने आया है, लेकिन यहाँ पर आपको बताते चले कि इससे पहले इसी साल सितंबर मंथ की बात करें तो सितंबर महीने में बिजनूर के ही उत्तर प्रदेश एटीएस और आर्मी इंटेलिजेंस ने गांव देहरी में छापेमारी करते हुए एक पिता और उनके पुत्रों को भी गिरफ्तार किया था। और गिरफ्तार युवक का भाई भी कश्मीर में एक सैलून शॉप पर काम करता था और उस पर हथियारों की सप्लाई करने के आरोप लगाए गए थे। तो दर्शकों, ये थी पूरी खबर आपके समक्ष जो अभी अभी साउथ कश्मीर के अनंतनाग जिले से आ रही है, जहां पर अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा इलाके की बात करें तो वहां पर एक व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा है कुछ हथियारों के साथ, हथियार पिस्टल और कुछ मैगजीन्स बताई जा रही हैं। आपको बता दे ये जो व्यक्ति है ये नॉन लोकल रेजिडेंट है, यानी कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और आज पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। तो दर्शकों, ये थी पूरी खबर। ऐसे ही और भी बड़े अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि कार्रवाई जारी है और भी डिटेल्स अगर हमारे समक्ष इस खबर से जुड़ी हुई आती है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बने रहे सच न्यूज नेटवर्क के साथ। जय हिंद।